चर्च जाता हूं, गाने गाता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, उपवास करता हूं, दशमांश देता हूं, खत्म। अब मुझे एक कदम ऊपर जाना, मुझे प्रभु की आवाज सुननी है, मुझे प्रभु की आवाज सुननी है, चाहे उस आवाज में चुनौती क्यों ना हो, क्योंकि वही मुझे धर्मी ठहराए। शरीर की चंगाई, ये दुख रहा, वो दुख रहा, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बचपना खत्म हो गया। अब मुझे बड़ा रहना, बड़े होना, अब मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए जीना, अब मुझे उसके दूसरे आगमन के इंतजार करना, अब मुझे उसकी आवाज सुननी, मुझे उसकी आवाज पर विश्वास करना। बाइबल इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि बाइबल वापस तुमसे बातचीत करने लगे। उसको पढ़ते समय इतना 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 पढ़ो कि वापस उसकी आवाज आने लगे। जब तुम किसी संदेश को सुनते हो तो उसको ऐसा सुनो कि उस संदेश में परमेश्वर की आवाज तुमको सुनाई देने का। पिछले एक घंटे से यदि आप मुझे सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की आवाज आपके हृदय में आनी चाहिए। उस संदेश में कोई ना कोई बात प्रभु की ओर से तुम्हारे लिए रहेगी। उस आवाज को पहचानना बहुत जरूरी है। अभी मैं सिर्फ सुनने वाला नहीं परंतु सुनते सुनते पहचानने वाला बनूंगा कि परमेश्वर की आवाज कौन सी, मेरे लिए प्रभु की बात क्या है। आज शाम को यदि मैं प्रभु के चरणों में बैठा हूं तो मुझे प्रभु की ओर से सुनना है। इस संदेश में आपके लिए कोई ना कोई एक संदेश रहेगा जो प्रभु की ओर से रहे, उसको सुन करके आपने हम उसको बोलना है कि हां प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ, तब मैं आज की रात्रि धर्मी ठहरूंगा। मैं जब आपके साथ में प्रचार कर रहा हूं मैं मन में प्रभु की ओर से आवाज को सुनते जा रहा हूं, कहीं ना कहीं कोई एक संदेश प्रभु मुझे दे रहा है कि अविश क्या तू मेरे लिए ऐसा करेगा। मुझे तुरंत कहना है हां प्रभु मैं तेरे लिए वैसा करूंगा। मेरा वैसा बोलना मुझे धर्मी ठहराए। जब मैं आराधना करता हूं, जब हम आराधना करते हैं, आराधना करते करते कोई एक बात प्रभु की ओर से हमें प्राप्त होती है, क्या हम वहां पर उस वचन के ऊपर खड़े रह सकते हैं। जा उस व्यक्ति से जाकर के बात कर, हां प्रभु मैं जाकर के करूंगा। जा उस भला बहन से जाकर के मुलाकात कर, हां प्रभु मैं करूंगा। शायद वो बहन जेल में है, शायद वो बहन ऐसे अस्पताल में है जहां पर किसी को जाने नहीं दिया जाता क्योंकि वो छुआछूत की बीमारी में, लेकिन मैं जाऊंगा क्योंकि किसने बोला है मुझसे, चाहे समाज कुछ भी बोल दे मुझे, मैं करूंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे करने के लिए। तब आप धर्मी हैं। एक धर्मी व्यक्ति बेदाग बनता है। इस रीति से कलीसिया बेदाग बन सकती है। दूसरी कंडीशन है बेजुरी। बेजुरी मतलब जिसके ऊपर जुरिया नहीं है। जुरिया मतलब आप समझते हो, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है जो हमारा स्किन है, चमड़ी है, उसमें जुरिया आती है। क्यों आती है जुरिया? बुढ़ापे के कारण। जितना ज्यादा पुराना होता जाएगा उतनी ज्यादा जुरिया आती जाती है। कलीसिया के ऊपर जुरिया कैसे आएगी? कलीसिया के ऊपर जुरिया तब आएगी जब हम पुराने नियमों में, पुराने संस्कारों में, पुराने बातों में फंसे रहेंगे। तब आप जितना ज्यादा पुराने ट्रेडिशंस में बंधे रहोगे, फंसे रहोगे, उतनी ज्यादा जुरिया आपके ऊपर आने वाली। यीशु मसीह ने नए नियम में बड़ा एक अच्छा उदाहरण दिया है। पुरानी शराब को नए बैग में नहीं डाला जाता और ना नई शराब को पुरानी बैग में डाला जाता। क्यों? क्योंकि उससे वो फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा। सुना आपने उस वचन को? जो नए नियम, जो नए वाचा की बातें हैं वो पुराने नियम के हिसाब से नहीं रखी जा सकती। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने सारी व्यवस्था को पूरा कर रखा है। क्रूस के ऊपर जाने पर उसने कहा पूरा हुआ। मैं तुम्हें अपना यह लहू नई वाचा का चिन्ह के रूप में देता हूं। इस नई वाचा के अनुसार तुम आगे बढ़ो। और नई वाचा में मात्र दो बातें हैं, एक तुम परमेश्वर से बहुत अच्छे रीति से प्यार करो और दूसरा अपने पड़ोसी से प्यार करो। इसी में सारी व्यवस्था पूरी हो जाएगी।
वो सारे पुराने नियम, वो सारी पुरानी व्यवस्थाएं, वो सारे पुराने ट्रेडिशंस जिसमें तुम फंसे हुए, वो सिर्फ तुम्हारे जीवन में झुर्रियां लेकर के आएगा। याद रखना, यदि तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां हैं, तुमको मैं लेकर के नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसी कलीसिया को ढूंढता हूं जो बेदाग और बेझुर्री। मेरे को फ्रेश स्किन वाली कलीसिया चाहिए, फ्रेश स्किन, नई वाचा के साथ चलने वाली, नई आज्ञाओं में चलने वाली, आज की मेरी बातों में चलने वाली। पुरानी बातों को लेकर के बैठे रहोगे, माफ कर देना, तुम वहीं पर बैठे रहना। हाउ चैलेंजिंग इट इज, कलीसिया को समझना बहुत जरूरी है। यदि हम वाकई में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं, यदि वाकई में हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ जाए, तो प्रियो वचन साफ तौर पर बताता है कि वो बेदाग और बेजुर्री कलीसिया को ढूंढा, और बेदाग बनने के लिए मुझे उसकी आवाज को सुनकर के उसकी आवाज पर विश्वास करना जरूरी है, और बेजुर्री बनने के लिए मुझे पुराने बंधनों से छुटकारा प्राप्त करके नई वाचा में चलना जरूरी है, नई आज्ञाओं में चलना जरूरी है, नए निर्देशन में चलना जरूरी है, मुझे विश्वास के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। नई बातें ऐसी होगी जो पुराने लोगों को नहीं समझ आएगी। पौलुस नहीं समझ रहा था जब वो देख रहा था कि लोग यीशु मसीह के विषय में प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि पौलुस उस समय पर शाऊल था और वो पुराने नियम के हिसाब से चल रहा था, वो नहीं समझ पा रहा। इसलिए वो जितने भी मसीह लोग यीशु मसीह के विषय में प्रचार कर रहे थे उनको पकड़ पकड़ के मार रहा था, और उसको लग रहा था कि वो सही काम कर रहा है। जब यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया दमस्कस के रास्ते पर और उसको बताया कि तू जो कर रहा है वो गलत है, उसके बाद शाऊल पौलुस में बदला और तब पौलुस परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ गया। उसकी पुरानी झुर्रियों वाला शरीर दूर हो गया और अब ताजा शरीर उसके जीवन में, और अब ताजगी के साथ में उसने प्रभु की सेवा की, एक तिहाई नया नियम उसने लिख डाला। समय आ गया है कि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, समय आ गया है कि हमें बेदाग और बेसुरी कलीसिया बन करने चाहिए, समय आ गया है कि हम चैलेंजेस लेने वाले बने। रोजाना सबको एक्सेप्टेबल रहेगी ऐसी बातों को खोजने से ज्यादा प्रभु हमसे क्या अपेक्षा करता है उसके लिए खड़े रहना जरूरी। काश कि हमारे भीतर इतनी हिम्मत आ जाए कि हम परमेश्वर के लिए कुछ भी सहने के लिए तैयार, चाहे समाज हमको नीचे गिरा दे या हमारे विषय में कुछ भी बोले, लेकिन यदि हम परमेश्वर के लिए खड़े होने वाले हो सकते हैं तो आज हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। आइए हम अपने स्थान पर। थैंक यू जीसस, वी ब्लेस यू, वी ब्लेस यू फादर।